पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने हलके लंबी में पिछले समय से किसी कारणों से हुई मौतों के परिवारों से दुख प्रकट करने के लिए गांव अलमवाला के मल्लौट में पहुंचे, जिन्होंने दुखी परिवारों से दुख साझा किया। इस मौके पूर्व मुख्यमंत्री बादल ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि किसानों की ओर से कर्जे के मार से की जा रही खुदकुशियों पर चिंता जताते हुए कहा कि सूबे की कांग्रेस सरकार ने सूबे के लोगों से किए वादे पूरे नहीं किए। पूर्व मुख्यमंत्री ने अकाली दल के वर्करों पर हो रहे जुल्मों पर बोलते हुए कहा कि अकाली दल की ओर से इसका विरोध करते हुए जबर जुल्म खिलाफ रैलियां की जा रही है। अकाली दल हमेशा जबर जुल्म की विरोधता करता रहेगा। जो पूर्व मुख्यमंत्री से बिहार की बनी नई सरकार के बारे में पूछा तो उसके बारे बोलने से बादल साहब किनारा करते नजर आए। वादे किए सन वो तो एक भी नहीं पूरा किया, लोगों नाल धोखा किया, फरेब किया। देखो जरा मैनीफेस्टो गल् लिखिया सन कि असी किसानों के कर्जे माफ करा, असी हर घर के एक बंद नौकरी देंगे और फार्म भी भरा ले हर एक तो किया कुछ नहीं। उल्टा जबर तो तशद्दुद जोड़ा है वो हर हल्के ये उन्होंने मर्जी है जी, मैं किसी की दखल नहीं। साढ़े तो पहले ही होया, साढ़े तो पहले ही है एक्ट तो बनया जी, लागू की होना जी, एक्ट बन गया लागू हो गया। गिद्दड़बाहा से हैप्पी सिंह, जीवे पंजाब टीवी।